हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वासु और आप देख रहे हो एनएसए टेक्निकल चैनल। गाइज, हम व्हाट्सअप तो हम सभी यूज़ करते हैं, उसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। कुछ फीचर्स बेकार भी लगते हैं और कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता, और आज मैं आपको ऐसे ही 3 हिडन फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखते रहो। डेली टेक वीडियोज से अपडेटेड रहने के लिए आप एनएसए टेक चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल को प्रेस करो नोटिफिकेशन के लिए। नॉर्मली हम जब किसी से भी चैट करते हैं तो वो कैसे फॉन्ट होते हैं, वो कुछ इस टाइप के नॉर्मल से फॉन्ट होते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा ऐप बताता हूँ जिसका यूज़ करके आप ये फॉन्ट्स चेंज कर सकते हो, वो भी कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल किए बिना। तो आपको नॉर्मली क्या करना है, अपना जो भी सेंटेंस है उसके आगे बस स्टार लगाना है और एंड में स्टार लगाना है, और उसके बाद आप देख सकते हो फॉन्ट चेंज हो चुका है। मैं इसे सेंड कर देता हूँ, ये किसी भी मैसेज में काम करेगा, चाहे मैं कुछ भी लिख दूँ। आप स्टार्टिंग में भी इसका यूज़ कर सकते हो, शुरू में स्टार लगा दो, फिर उसके बाद अपना जो भी कन्वर्सेशन है वो शुरू कर दो, तो फॉन्ट अपने आप ही चेंज हो जाते हैं। तो यही फॉन्ट नहीं, हमें और भी काफ़ी सारे फॉन्ट देखने को मिलते हैं यहाँ पे, तो आप डैश का यूज़ कर सकते हो और एंड में भी लगा दो, तो ये देखो फॉन्ट चेंज हो गया। इसी तरह ये वाला जो साइन है इसका भी यूज़ कर सकते हो आप, तो फॉन्ट चेंज हो गया। तो ऐसे ही करके आप इन सब का यूज़ कर सकते हो। व्हाट्सएप के अंदर एक फीचर है जो कि बहुत ही बेकार लगता है, वह कि हम किसी को भी जब फोटोज़ या वीडियो सेंड करते हैं तो उसकी क्वालिटी एकदम ख़राब हो जाती है। अब इसका भी एक तरीका है जो कि कोई भी यूज़ नहीं करता है, तो अगर आप चाहते हो कि आप फुल ओरिजिनल क्वालिटी जो है उसी के अंदर उस इमेज को या फिर वीडियो को शेयर करो, तो उसके लिए सबसे पहले आप इस वाले साइन पर टैप करो। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन मिलता है, इस पर टैप करना और उसके बाद आप ब्राउज अदर डॉक्यूमेंट्स पर जाना। अब यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो अपनी जो भी फाइल आपको सेंड करनी है, तो यहाँ पे आपको गैलरी का भी ऑप्शन मिल रखा है, मैंने वो ऑप्शन ऑफ कर रखा है। आप चाहो तो वहाँ पर सबसे पहले वही आपको ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो जैसे मैं ये वाली पिक सेंड करता हूँ तो ये अब कन्वर्ट हो जाएगी इस फाइल के अंदर, और उसके बाद ये सेंड हो जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ओरिजिनल अपने जो इसका साइज़ है उसी में सेंड होगी, तो इसकी क्वालिटी भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली है। और इसके साथ साथ आप वीडियोस को भी सेंड कर सकते हो, लेकिन जब आप वीडियो सेंड करोगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा लिमिटेशन मिलता है, वहाँ आप स्वयं भी से ज़्यादा साइज़ की कोई भी फाइल शेयर नहीं कर सकते, चाहे वो फोटो हो या वीडियो। तो फोटो तो होती नहीं है, वीडियो आप स्वयं भी से ज़्यादा साइज़ का नहीं शेयर कर सकते। गाइज, लास्ट फीचर काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। इस फीचर का यूज़ करके आप किसी को भी अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर सकते हो। अब मान लो आपके घर में कोई छोटा है जो जॉब पे जाता है, आपसे छोटा है, मतलब वैसे बड़ा ही होगा, वो जॉब पे जाता है, आपको चिंता रहती है, रात को लेट आता है कि भाई अब पता नहीं कहाँ होगा, अब कहाँ पहुँचा, तो इसके लिए आप ये फीचर यूज़ कर सकते हो। तो इसको नॉर्मली आप यूज़ करने के लिए इस वाले साइन के ऊपर टैप करो, यहाँ पर आपको लोकेशन का ऑप्शन मिल जाता है, और लोकेशन जो लिखा है इस पर टैप कर देना। यहाँ पे आप शेयर लाइव लोकेशन पे टैप करो, और उसके बाद आप यहाँ पर टाइम रख सकते हो कि आपको 15 मिनट के लिए शेयर करना है, 1 घंटे के लिए या फिर 8 घंटों के लिए। तो भाई जॉब पे बंदा जा रहा है तब तो 8 घंटे के लिए करके ही शेयर कर दो, और उसके बाद आप जब भी चाहो 8 घंटे के अंदर अंदर इस फ़ोन की करंट लोकेशन को चेक कर सकते हो कि अभी कहाँ पर है ये। तो ये फीचर काफ़ी ज़्यादा काम का है, अब आप किसी भी पर्पज़ से इसे यूज़ कर सकते हो। गाइज, यही थे व्हाट्सअप के 3 कमाल के फीचर, और मेरे हिसाब से भाई जरूर यूज़ करके देखना, सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरी हर वीडियोज़ की अपडेट मिले सबसे पहले।